Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial and we are doing MCQs. इस सीरीज में हम MCQs कर रहे हैं. इससे अलावा हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सीरीज चल रही है. अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लिटरेचर वाले जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वो सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. तो चलिए आज की जो MCQ है उसे शुरू करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स. जो शेक्सपियर ने अपने जो प्लेज थे उनमें कौन से वर्स फॉर्म यूज़ किए थे. तो आपका जो आंसर है, राइट आंसर वो है आपका आइम्बिक पेंटामीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच पोइट इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल फूट इन पोइट्री. जो वो कौन से पोइट हैं जिन्होंने वेरिएबल फूट ऑफ पोइट्री बनाया था या उनको उसको इन्वेंट किया था. तो आपका जो आंसर है वो है आपका विलियम कार्लस विलियम. नेक्स्ट, हु रोट दिस फेमस लाइन, शेल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड टेम्परेट. तो आपके ऑप्शन है T.S. एलियट, लॉर्ड टेनिसन, शार्लेट ब्रॉन्टे, शेक्सपियर. आपका जो आंसर है थर्ड का वो है आपका शेक्सपियर. फ्रॉम व्हिच सेंचुरी डज द पोइट्स फॉर्म द फोक बैलेट डेट, द 12th, 14th, 17th और 19th. जो आपका फोक बैलेट है वो पोइटिक फॉर्म किस सेंचुरी से शुरू हुई. तो आपका आंसर है द 12th सेंचुरी. फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इन दिस फेमस लाइन डिड माई हर्ट लव टिल नाउ फोर्स वियर इट साइट फॉर आई नेवर सॉ अ ट्रू ब्यूटी अंटिल दिस नाइट. ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, ओथेलो और रोमियो. आंसर इज रोमियो एंड जूलियट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज अ पोएम कॉल्ड हुज फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड. अलिटरेटिव, एपिक, एक्रोस्टिक और हाइकू. सो योर आंसर इज एक्रोस्टिक. वो पोएम जिसका हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड. Now next one, Auld Lang Syne is a famous poem by whom. ये जो poem है वो किसके द्वारा लिखी गई है. Sir Walter Scott, William Butler Yeats, Henry Longfellow or Robert Burns. So your answer is Robert Burns. How has Stephen Dunne been described in the Oxford Companion to 20th century poetry? A poet of middleness, capturing a sense of spiritual maroonness, or one of the leading prairie poets, had some distinction as a critic. So it ka answer hai aapka a poet of middleness. The Cambridge School refers to a group who emerged when 90s, 1960s, 1920s or 1930s. Your answer is the 1960s. So Cambridge School came in 1960s. Now next and last question for you today. You can write down your score in comment box. Margaret Atwood was born in which Canadian city? Vancouver, Toronto, Ottawa or Montreal? Your answer is Ottawa. So see you tomorrow at the same time, 7:30, with some new MCQs. Thank you for watching. See you in next video.